हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एक और नए वीडियो के अंदर, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं आरडी शर्मा के बुक से। तो आरडी शर्मा बुक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिनको सॉल्व करने में आपको दिक्कतें होती हैं, जिनको आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हो, हर उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आरडी शर्मा बुक को सॉल्व करने में नहीं होगी। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली दो आइडेंटिटीज को कवर करने वाले हैं। एक जो आपका आइडेंटिटी है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और जो दूसरा आइडेंटिटी हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब से रिलेटेड हो सकते हैं, उन सबको सॉल्व करेंगे। और इसको देखने के बाद आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी से रिलेटेड हो और आपसे सॉल्व ना हो। पर उससे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स करता है आपको 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी हिडन चार्जेस और हिडन कॉस्ट। यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद या दो लेसन देखने के बाद आपको किसी तरीके का पैकेज परचेज करना है या किसी तरीके का पेमेंट आपको करना है। आपके लिए सब कुछ 100% फ्री है और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। इन सबको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को विजिट करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे सारी चीजें कंप्लीटली ऑर्डर वाइज अरेंज है प्लेलिस्ट में, जिससे आप कोई भी कोर्स को आसानी से ढूंढ सको और उससे रिलेटेड जितना भी नॉलेज हो आप आसानी से गेन कर सको। तो चलो इसी अच्छी बात के साथ हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन आपके आइडेंटिटी को कर देगा क्लियर। तो क्वेश्चन ये है कि भाई आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट किसका फाइंड करना है? तो आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है जब x plus 3y मल्टीप्लाई होगा आपके x square minus 3xy plus 9y square से। तो इस क्वेश्चन को देखने से आप सोचोगे सर प्रोडक्ट निकालना है, ये तो बड़ा आसान काम है, एक ब्रैकेट आगे है दूसरा ब्रैकेट पीछे है, तो जो ब्रैकेट्स के अंदर के कंटेंट्स का मल्टीप्लिकेशन आपने हमें सिखाया था हम वो यहां पे अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, नो डाउट इन दैट। बट प्रॉब्लम बस इतनी सी होगी कि मेथड हो जाएगा लेंदी और कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दोगे। एक प्रॉब्लम तो ये है, और दूसरी दिक्कत ये है कि हो सकता है कि एग्जामिनर यानी कि जिसने आपका एग्जाम का पेपर सेट किया है वो ये चाहता है कि आप इस प्रोडक्ट को निकालिए एलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो जब तक आप एलजेब्रिक आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन का सलूशन नहीं देंगे तब तक एग्जामिनर आपको मार्क्स भी नहीं देने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। एंड इन फैक्ट जब आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल करोगे तो यह क्वेश्चन का सोल्यूशन काफी आसान हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट आपने देखी होगी तो वहां पर मैंने ये दो आइडेंटिटीज पहले ही आपको डिस्कस कर दी है, पर फिर से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ जिससे कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो भाई दो तरीके की आइडेंटिटीज होती है हमारे पास। एक आइडेंटिटी होती है नंबर वन वाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहां पे याद रखिए ए पे इंडिविजुअल क्यूब है, फिर प्लस है और फिर बी पे इंडिविजुअल क्यूब है। ऐसा नहीं है कि ए प्लस बी पे होल क्यूब है। जो ए प्लस बी का होल क्यूब रिलेटेड आइडेंटिटी थी वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे ए पे इंडिविजुअल क्यूब है, फिर प्लस का साइन है एंड देन बी पे इंडिविजुअल क्यूब है। तो जो ये आपको आंसर देगा या आंसर देता है आपको ए प्लस बी पहले ब्रैकेट के अंदर, और जो दूसरा ब्रैकेट होता है आपके पास वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस आइडेंटिटी में मैंने आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपके जो वेरिएबल्स हो वो ए और बी ही हो, आप चाहो तो एक्स और वाई वेरिएबल्स के रूप में भी इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा एक्स का होल स्क्वायर
y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो आपको ये जो आइडेंटिटी है इन दोनों फॉर्मेट में ही अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि अगर ये दोनों फॉर्मेट आपके दिमाग में फिट नहीं है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जहां पे आप फंस जाओगे, और उससे बचने के लिए हमें दोनों फॉर्मेट ही अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे। तो पहले आइडेंटिटी के ये दोनों फॉर्म आपको क्लियर होने चाहिए, कैसे टर्म्स अरेंज हैं ये भी आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे आइडेंटिटी पे। जी हाँ, हम दूसरे आइडेंटिटी की अभी बात कर लेते हैं जिससे आगे हमें बात ना करनी पड़े। तो दूसरा आइडेंटिटी कुछ खास अलग नहीं है, मैं इसी आइडेंटिटी में आपको मॉडिफिकेशन करके दिखा देता हूं जिससे दूसरा आइडेंटिटी आप आसानी से याद कर पाओगे। तो देखो भाई, मॉडिफिकेशन बस इतना है कि यहां पे प्लस साइन नहीं है, यहां पे माइनस साइन है। सिमिलरली यहां पे प्लस साइन नहीं है, यहां पे माइनस साइन है। अब इधर तो पहले से ही माइनस साइन था, तो इधर क्या कर दोगे भाई, इस तरफ बस प्लस का साइन लगा दोगे, और ये बन गई आपकी दूसरी वाली आइडेंटिटी। अगर मैं एक्स और वाई के रूप में बात करूं तो यहां पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है, यहां पर एक्स प्लस वाई की जगह एक्स माइनस वाई होता है, और वहां पे पहले ही माइनस एक्स वाई है तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्लस में। तो ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी है, या तो आप इसको ए और बी में भी याद रख सकते हो या तो एक्स और वाई में भी, पर मेरा सजेशन होगा कि आप दोनों ही फॉर्म में याद रखें जिससे क्वेश्चन में कहीं पे भी आप अटके ना और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। तो ये थी दो आइडेंटिटीज जो हमें डिस्कस करनी थी, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं एट लेंथ। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत कहीं पे कंफ्यूजन है इन आइडेंटिटीज में तो आप जाके मेरी एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहां पे मैंने इन आइडेंटिटीज को बहुत आराम से और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को कवर करते हुए डिस्कस किया है। तो वहां पे आप जब एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो ये आइडेंटिटीज आपको याद भी हो जाएंगी और क्लियरली दिमाग में बैठ भी जाएंगी, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो साथ में हो ही जाएंगे। तो चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का नहीं है, ये क्वेश्चन आरडी का है। तो अब हम देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी को अप्लाई कैसे करें। तो बड़ा ही आसान काम है इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी को अप्लाई करना, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देता हूं। तो पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो भाई हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि एक ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास x प्लस 3y, जबकि दूसरे ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 3xy, और यहां पे है आपके पास 9y स्क्वायर। ये इस तरीके से ब्रैकेट्स के कंटेंट्स अरेंज है। आप क्या करो, बड़ा ही आसान काम है, इसको तो x प्लस 3y रहने दो, यहां पे कुछ चेंज मत करो। ये जो x स्क्वायर है इसको अभी के लिए x का होल स्क्वायर लिख दो, और ये जो 9y स्क्वायर है इसको मैं अभी के लिए 3y का होल स्क्वायर लिख देता हूं। अब ये मत सोचना सर ये तो पीछे लिखा था आपने बीच में ले आया, ऐसा कैसे, अरे भाई प्लस में चीजें है ना तो आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, जैसे 2 प्लस 3 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है, तो आगे पीछे चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंटिल अनलेस आप साइन का ध्यान रखो, 9y स्क्वायर के सामने भी प्लस था और यहां पे 3y के होल स्क्वायर के सामने भी मैंने प्लस रखा। हो सकता है कि आप ये सोचो कि सर आपने 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर कैसे लिख दिया, तो 3y का होल स्क्वायर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, जब आप 3 का स्क्वायर करते हो तो आपको 9 मिल जाता है, जब आप y का स्क्वायर करते हो तो आपको y स्क्वायर मिल जाता है। इसी तरीके से मैंने 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर लिख दिया है। अब बात बचती है लास्ट वाले टर्म की, जो कि है आपके पास -3xy। इसमें क्या करेंगे आप सर, इसमें बस मैं इतना करने वाला हूं कि मेरा x को मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं और y के साथ 3y था ना, तो 3y को ऐसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देता हूं, और मैं इस तरीके से टर्म्स को अरेंज कर लिया हूं। अब क्या भाई, अब आपको यह करना है कि अब लगाना है आपको सब्स्टिट्यूशन। कैसे लगाओ सब्स्टिट्यूशन, तो आप अपने x को छोटा वाला a बोल दीजिए और आप अपने 3y को छोटा वाला b बोल दीजिए। जब आप ऐसा करते हो तो यह पूरा का पूरा फॉर्म जो है कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें x की जगह आ चुका है स्मॉल a, 3y की जगह आ चुका है स्मॉल b, तो ये ब्रैकेट बन गया a प्लस b। जब इस ब्रैकेट की आप बात करते हो तो x स्क्वायर यानी कि ये हो चुका है अब a का स्क्वायर, यहां पे 3y का होल स्क्वायर है, 3y को तो हमने b लिया था, तो ये हो जाएगा आपके पास b का होल स्क्वायर, यहां पे आपके पास x into 3y है, तो x की जगह आपने लिख दिया a, 3y की जगह आपने लिख दिया b, तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको मेरा अभी वाला डिस्कशन याद हो तो ये कुछ और नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 है, जो कि ये कहती है आपको कि भाई इन दोनों चीजों को अगर मल्टीप्लाई में लिखा आप देखो तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। यहां पे देखो, यहां पे साइन क्या है,
प्लस का साइन है, ए और बी के बीच में साइन किसका है, प्लस का साइन है, तो आप आंसर लिखते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये है आपका आइडेंटिटी जो हमने यहां पे लगाई है। अब इसके बाद क्या आंसर आ गया क्या? नहीं, अभी आंसर नहीं आया है। यहां पे आपने एक बार सब्स्टिट्यूट करा था, आपने x की जगह a रखा था, 3y की जगह b रखा था, यहां पे आप दूसरी बार सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब दूसरी बार यहां पे कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे आप? तो जहां पे a है वहां पे आप x रख दो, जहां पे b है वहां पे आप 3y रख दो। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं कि x की जगह रखने वाला हूं a को, नहीं x की जगह a को नहीं, सॉरी फॉर दिस, a की जगह रखने वाला हूं x को। बात सेम है मैं जानता हूं, पर फिर भी हम ज्यादा सही हैं यहां पे। a की जगह मैं रखने वाला हूं x को और b की जगह रखने वाला हूं मैं 3y को। तो यहां पे मैंने रख दिया x का होल क्यूब और ये हो गया मेरे पास b की जगह क्या है 3y, तो यहां पे मिल गया मुझे 3y का होल क्यूब। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, अब x क्यूब को तो मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो इसको तो मैं x क्यूब रहने देता हूं, लेकिन 3y क्यूब को तो मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूं। 3y का होल क्यूब मुझे क्या देगा? तो चाहो तो आप यहां पे निकाल के देख सकते हो, वरना वैसे तो बड़ा सिंपल है। जब आप 3y का होल क्यूब करोगे तो आपके पास 3 का भी क्यूब होगा और y का भी क्यूब होगा। 3 का क्यूब होता है 27, y का क्यूब आपको मिलता है y क्यूब, और इस तरीके से 3y का होल क्यूब बनता है आपके पास 27y क्यूब, यानी कि आप यहां पे आंसर लिख देंगे 27y क्यूब। और इस तरीके से आपको जो भी चीज बोली गई थी, यानी कि आपको बेसिकली इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट निकालने को बोला गया था और आपने इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट निकाल दिया है, यानी कि यहां पे अगर आप बात करोगे क्वेश्चन का, तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो इन सारे स्टेप्स को ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करने जाना, आप इस तरीके से एलजेब्रिक आइडेंटिटी को लगाओगे और आंसर पाओगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जहां पे हम आइडेंटिटीज को थोड़ा सा और अप्लाई करते हैं। भाई अब क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 7a-5b into 49a² plus 35ab प्लस 25b स्क्वायर। वापस से वही चीज, आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट मत निकालो, क्या करें भाई हम, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन 7a-5b और दूसरे ब्रैकेट के अंदर है आपके पास 49a² और उसके साथ है आपके पास 35ab और लास्ट में कौन सा टर्म है, तो लास्ट में जो आपके पास टर्म है वो है 25b². देखो भाई, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करोगे? क्वेश्चन को पहले चीजें थोड़ा रीअरेंज कर लो। कैसे? तो 7a-5b को तो आप 7a-5b रहने दीजिए, कोई चेंज नहीं। यहां पे 49 का a स्क्वायर है, 49a² है, तो 49a² को आप क्या लिख सकते हो? देखो ध्यान से, 49a² को आप लिख सकते हो 7a का होल स्क्वायर। जब खुद सोचो, 7a का होल स्क्वायर करोगे तो पहले 7 का स्क्वायर करोगे फिर a का स्क्वायर करोगे, तो 7 का स्क्वायर आपको 49 मिल जाएगा और a का स्क्वायर आपको a² मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम बात 35ab की करें तो इसको हम लिख सकते हैं 7a multiplied by 5b। कैसे? तो देखो यहां पे, जब 7 × 5 होगा तो आपको मिलेगा 35, जब a × b होगा तो आपको मिल जाएगा ab। अब बात कर लेते हैं लास्ट टर्म पे, जो कि है आपके पास 25b², आप इसको 5b का लिख सकते हो होल स्क्वायर, और इस तरीके से आपने ऐसा लिख दिया, 5 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 25 और b का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा b². अब क्या करो भाई, अब ऐसा करो, जो आपका 7a है इसको छोटा वाला x बोल दो, और जो आपके पास 5b है आप इसको छोटा वाला y बोल दो। इससे क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है आपका x-y। यहां पे देख सकते हो आप, आपने 7a को x बोल दिया है, 5b को y बोल दिया, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है x-y। जबकि दूसरा वाला जो ब्रैकेट है, 7a का होल स्क्वायर है ना, तो 7a का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 7a × 5b है, तो 7a का मतलब x और 5b का मतलब y, तो x into y हो गया, 5b का होल स्क्वायर हो जाता है आपके पास y². अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप पूरा देखोगे, x-y (x²+xy+y²), तो ये कुछ और नहीं है, ये आपका एलजेब्रिक आइडेंटिटी है, जो कि आपको कहता है, आंसर देता है, इधर के साइन से जज करो आप, x-y है, इसीलिए जो फाइनल आंसर होगा वो होगा आपके पास x³ - y³। हमेशा आगे वाले टर्म के या आगे
आगे वाले ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वहां से आप जज करोगे कि आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखोगे या आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखोगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा ए प्लस बी था तो मैंने क्या लिखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहां पे एक्स माइनस वाई है तो मैं लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब वापस से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं भाई। अब देखो यहां पे आपका जो एक्स है वो कितना है, एक्स है आपके पास 7a, जबकि आपके पास जो वाई है वो कितना है, वाई है आपके पास 5b। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप एक्स की जगह रख देंगे 7a को जबकि वाई की जगह रख देंगे आप 5b को। तो ये बन चुका है क्वेश्चन 7a का होल क्यूब जबकि यहां पे क्वेश्चन बन चुका है 5b का होल क्यूब। अब क्या, तो यहां पे 7a का होल क्यूब माइनस 5b का होल क्यूब है, 7a का होल क्यूब कैसे निकालोगे? तो बड़ा आसान काम है, देख लो इधर। जब आप 7a का होल क्यूब निकालते हो तो बेसिकली आप 7 का क्यूब करते हो और a का क्यूब करते हो। तो 7 का क्यूब क्या होता है, तो 7 का क्यूब का मतलब होता है आप 7 को तीन बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 7 × 7 7 7s होता है आपके पास 49 और 49 7s आपको मिलता है 343, यानी कि 7 का क्यूब आपको मिल जाएगा 343 और a क्यूब तो आपके पास a क्यूब रहेगा ही, यानी कि यहां पे आप आंसर लिख सकते हो 343 a क्यूब, जबकि पीछे वाला जो ब्रैकेट है वो है 5b का होल क्यूब। तो 5b का होल क्यूब भी आप कर सकते हो, आपके पास 5b और होल क्यूब है, यानी कि आप क्या करोगे, आप पहले 5 का क्यूब करोगे फिर b का क्यूब करोगे। अब 5 का क्यूब आपको मालूम होना चाहिए 5 × 5 × 5 होता है 25 और 25 × 5 होता है आपके पास 125, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास 125b क्यूब के रूप में। और इस तरीके से आप यहां पे आंसर लिख सकते हो 125b क्यूब, और जो आपका एक्सपांशन है वो कंप्लीट हो चुका है, या फिर आप ये कह लो कि जो आपको प्रोडक्ट निकालना था वो प्रोडक्ट आपने कंप्लीटली निकाल दिया है। तो क्वेश्चन में बस इतना ही काम करना था आपको, इस तरीके से आइडेंटिटी लगानी थी। और आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो भाई आइडेंटिफाई इन टर्म्स को देख के करना है कि कहां पे हम कौन से आइडेंटिटी लगाएंगे और कहां पे हम क्या करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं हमारे एक और सवाल पे। सवाल है ये, अब इस सवाल में दिक्कत ये है कि चीजें थोड़ी सी डेसिमल में है तो उनको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम आइडेंटिटी को अच्छे से अप्लाई करें। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास गिवन है 0.9x, ऐसा लिख दो, आपके पास गिवन है 0.9x, 0.9x के साथ में आपको गिवन है 0.7y, बहुत बढ़िया पहले ब्रैकेट के अंदर। अगर आप दूसरे ब्रैकेट के अंदर की बात करोगे तो आपके पास है 0.81 का एक्स स्क्वायर और यहां पे आपके पास है 0.63xy, और जो दूसरा ब्रैकेट है वहां पे दूसरा ब्रैकेट नहीं, दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो लास्ट टर्म है वो है आपके पास 0.49y स्क्वायर। तो ये सारे टर्म्स आपके पास वेल अरेंज है। अब क्या करो, बड़ा ही आसान काम है, ध्यान से सुनना। ये जो आपके पास 0.9x है इसको अभी के लिए आप सोचो कि भाई जब 0.9x का होल स्क्वायर करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है। तो 0.9x का जब आप होल स्क्वायर करते हो तो बेसिकली आप 0.9 का भी होल स्क्वायर करते हो और x का भी होल स्क्वायर करते हो। अब 0.9 का होल स्क्वायर आपको क्या देता है, तो थोड़ा कैलकुलेट करके जब आप देखोगे तो आप फाइंड करोगे कि जब आप 0.9 का होल स्क्वायर करते हो तो आपको आंसर मिलता है 0.81 का x स्क्वायर। इस तरीके से आपने ये चीज एक आइडेंटिफाई कर ली। सिमिलरली आप एक और चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो क्या है कि आपके पास 0.49y स्क्वायर है, तो अगर गलती से भी आप 0.7y का होल स्क्वायर कर दोगे तो वो आपको देगा 0.7 का होल स्क्वायर और y का होल स्क्वायर, और 0.7 का होल स्क्वायर जो होता है वो आपको देता है 0.49 और y स्क्वायर, तो आपको मिल ही गया। यानी कि हमने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके देख लिया कि चीजें क्या बनती है। अब इसका यूज हम कहां पे करेंगे, इस क्वेश्चन में करेंगे, कैसे चलिए देखते हैं। पहले ब्रैकेट में तो अभी कोई चेंज मत करिए, आप 0.9x प्लस 0.7y लिख दीजिए, कोई भी चेंज यहां पे नहीं होगा। अब दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं हम, तो हमारे पास है 0.81x स्क्वायर। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, जब मैंने 0.9x का होल स्क्वायर किया था तो मुझे मिल गया था 0.81x स्क्वायर, तो मैं यहां पे यही लिखने वाला हूं, इसको मैं लिख देता हूं 0.9x का होल स्क्वायर। जबकि ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं दूसरा वाला जो टर्म है 0.63, आप खुद सोच के देखो, अगर आप 0.9x में मल्टीप्लाई कर दोगे 0.7y को, तो पहले नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 0.9 × 0.7
करोगे, तो जब 0.9 इंटू 0.7 आप करते हो तो आपको आंसर मिलता है 0.63, और जो आपके पास x इंटू वाई है वो आपको पीछे मिल जाएगा, यानी कि आप अपने 0.63xy को लिख सकते हो माइनस 0.9x मल्टीप्लाइडेड बाय 0.7y। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब लास्ट टर्म पे आते हैं जो कि है आपके पास 0.49y स्क्वायर। 0.49y स्क्वायर की मैं बात करूंगा तो ये डिस्कशन काम आ जाएगा कि जब मैंने 0.7y का होल स्क्वायर किया था तो मुझे 0.49 होल स्क्वायर मिला था, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस ऑफ 0.7y का होल स्क्वायर और इस ब्रैकेट को कर देता हूं मैं क्लोज। अब इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोसेस को करता हूं स्टार्ट, यानी कि जो मेरा 0.9x है मैं इसको बोल देता हूं स्मॉल a और जो 0.7y है मैं इसको बोल देता हूं स्मॉल b। इससे क्या हो गया, इससे क्वेश्चन जो है कन्वर्ट हो चुका है। कैसे? तो भाई आप इसके बाद वाले टर्म को लिख सकते हो, ये तो हो गया आपके पास a, यहां पे आपको मिल गया b, जबकि यहां वाले टर्म्स को देखोगे तो 0.9x का होल स्क्वायर है यानी कि a का होल स्क्वायर है, यहां पे 0.9x into 0.7y है, तो 0.9x आपको a मिल गया, 0.7y आपको b मिल गया, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ ab, जबकि यहां पे लास्ट टर्म है आपके पास 0.7y का होल स्क्वायर जो कि आपको मिल जाएगा b स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन चुकी है, जहां पे आप जजमेंट करोगे पहले वाले ब्रैकेट के साइन से, तो पहले वाले ब्रैकेट के बीच में साइन है प्लस का, तो आप आंसर लिख दोगे a क्यूब प्लस b क्यूब। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है भाई, अब a की जगह क्या डालोगे, 0.9x डालोगे और b की जगह क्या डालोगे, तो 0.7y डालोगे, तो यहां पे लिख दो कि हम a की जगह डालने वाले हैं हमारे 0.9x को, जबकि हमारे b की जगह हम डालने वाले हैं 0.7y को। इससे क्या हो गया भाई, इससे कुछ ऐसा हुआ कि यहां पे आपके पास हो जाएगा 0.9x का होल क्यूब, यहां पे आपको मिल जाएगा 0.9x का होल क्यूब, और b क्यूब है वहां पे आपको मिल जाएगा 0.7y का होल क्यूब। अब बात आती है कि इन क्यूब्स को कैसे सॉल्व करोगे, तो बड़ा ही आसान काम है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको 0.9x का होल क्यूब निकालना है ना, तो कुछ मत करो, आपका जो 0.9 है पहले इसका होल क्यूब निकाल लो और फिर x का होल क्यूब निकाल लो। अब 0.9 के होल क्यूब का मतलब है बेसिकली आपको 0.9 को 3 बार करना है मल्टीप्लाई, तो जब आप 0.9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर मिलेगा आपको 0.729। अब मल्टीप्लीकेशन आपको आता है डेसिमल्स का, वो चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आपको 0.9x का होल क्यूब मिल जाएगा 0.729, यानी कि आंसर आप लिख सकते हो 0.729x क्यूब, जबकि इस वाले टर्म की बात करोगे यानी कि 0.7y का होल क्यूब, तो 0.7 का जब होल क्यूब करोगे और y का जब आप होल क्यूब करोगे तो 0.7 का होल क्यूब करने से आपको मिल जाएगा 0.343 और y क्यूब आपको इस तरीके से मिल गया, यानी कि हमने हमारे क्वेश्चन को कर दिया है सॉल्व और हमारा आंसर आ चुका है। ये सारे स्टेप्स ही आपको करने पड़ेंगे जब आप इधर मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से किया है, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन यहां पे परफॉर्म नहीं किया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं हमारे अगले सवाल पे। जो अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है फ्रैक्शन में। जैसा कि आपने देखा होगा मैंने पहला सवाल नॉर्मल लिया, दूसरा सवाल दूसरी आइडेंटिटी पे लिया, तीसरे सवाल में मैंने डेसिमल्स को डाल दिया, अब चौथे सवाल में मैंने क्या किया है, मैंने फ्रैक्शन को डाल दिया है, यानी कि जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल हैं इस आइडेंटिटी पे मैं उन सब को कवर करता हूं। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर है आपके पास 2x/5 जबकि दूसरे ब्रैकेट के अंदर है आपके पास 3y/7। बहुत बढ़िया, अब दूसरा ब्रैकेट क्या है आपके पास, अच्छा ये पहले ब्रैकेट के अंदर ही थे, दूसरा ब्रैकेट मैंने गलत बोल दिया है, अब दूसरा ब्रैकेट बोल रहा हूं, दूसरे ब्रैकेट के अंदर है पहला टर्म आपके पास 9y/49, इसके साथ में आपके पास प्लस का साइन है और साथ में है 4x स्क्वायर
अपॉन 25 और लास्ट टर्म है आपके पास 6xy अपॉन 35। तो लिख दो आप 6xy अपॉन 35 और ब्रैकेट हो चुका है यहां पे क्लोज। अब ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से ये सुनना है, पहले वाले ब्रैकेट में तो अभी आप कोई चेंज मत करो, आप लिख दो 2x अपॉन 5 माइनस 3y अपॉन 7, इस ब्रैकेट में कोई भी चेंज मत करो। लेकिन ये जो दूसरा ब्रैकेट है यहां पे पहला टर्म क्या है, 9y स्क्वायर अपॉन 49। तो चलो यहां पे आ जाओ, आपके पास क्या है 9y स्क्वायर अपॉन 49। अभी 9y स्क्वायर अपॉन 49 कब आएगा, तो खुद इमेजिन करो, खुद सोचो थोड़ा कि जब आपके पास ऊपर 3y हो और अगर नीचे 7 हो, इसका होल स्क्वायर करो, किसका होल स्क्वायर, 3y अपॉन 7 का कर दो होल स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा 3 का होल स्क्वायर, यहां पे देखो आपको मिलेगा 3 का होल स्क्वायर, आपको मिलेगा y का होल स्क्वायर और नीचे मिल जाएगा आपके पास 7 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9, ये हो जाएगा y का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो गया आपके पास 49। यानी कि जब आप 3y अपॉन 7 का होल स्क्वायर करते हो तो आपको 9y स्क्वायर अपॉन 49 मिलता है। यानी कि ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है इसको 9y स्क्वायर अपॉन 49 मत लिखो, इसको क्या लिखो, इसको लिख दो अभी के लिए 3y अपॉन 7 का होल स्क्वायर, जस्ट अभी के लिए, बाद में हम इसको भी चेंज करेंगे। अब अगला टर्म है आपके पास 4x स्क्वायर अपॉन 25। जब मैं 4x स्क्वायर अपॉन 25 की बात करता हूं तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन और कर सकते हैं, क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके साथ, जब आप 2x अपॉन 5 का होल स्क्वायर निकालते हो तो क्या मिलता है भाई, तब आपको मिलता है 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर और नीचे मिलता है आपको 5 का स्क्वायर जो कि होता है आपके पास 25। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लो भाई, 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, ऊपर तो x स्क्वायर है ही, नीचे 5 का स्क्वायर 25 है ही। यानी कि जब आप 2x / 5 का होल स्क्वायर करते हो तब आपको 4x स्क्वायर / 25 मिलता है। तो 4x स्क्वायर / 25 न लिखने की जगह आप लिख सकते हैं इसको 2x / 5 का होल स्क्वायर। अब जरा आते हैं हम हमारे लास्ट वाले ब्रैकेट पे जो कि है 6xy डिवाइडेड बाय 35। तो अब वापस एक छोटा सा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कुछ ऐसा है कि ये जो दो टर्म्स आपने निकाले हैं, एक निकाला है आपने 3y upon 7 और दूसरा निकाला है आपने 2x upon 5, जरा इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करें हम, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो भाई बेसिकली हम मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे ये दोनों टर्म्स को जो आपके पास है 3y upon 7 और 2x upon 5 को। तो यहां पे हम लिख देते हैं 3y upon 7 multiplied by 2x upon 5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको याद होगा जब ऐसा मल्टीप्लीकेशन होता है तो नंबर्स को आप अलग मल्टीप्लाई करते हो, वेरिएबल्स को आप अलग मल्टीप्लाई करते हो। तो नंबर्स क्या है आपके पास, एक नंबर है आपके पास 3 upon 7, दूसरा नंबर है आपके पास 2 upon 5, वेरिएबल्स क्या है आपके पास x into y। अब यहां पे जरा नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा होता है क्या 6 और 7 5 जा होता है क्या 35, तो आपको मिल जाएगा 6 upon 35 xy। यानी कि जब आप इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है 6xy upon 35। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 6xy upon 35 है, तो 6xy upon 35 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2x by 5 multiplied by 3y by 7। ये चीज जरूरी थी इस क्वेश्चन के लिए, क्या करा हमने भाई, हमने इस तरीके से चीजों को लिख दिया। वापस से टेंशन मत ले लेना, अरे सर आपने तो 2x by 5 को पीछे मल्टीप्लाई किया था और 3y by 7 को वहां पे आपने जब लिखा तो 2x by 5 को आगे लिख दिया, 3y by 7 को पीछे लिख दिया। अरे भाई मल्टीप्लीकेशन है, 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब बात आती है सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस की। तो जो आपका 2x upon 5 है आप उसको छोटा वाला a मान लीजिए, जो आपका 3y upon 7 है आप इसको छोटा वाला b मान लीजिए। तो आपने क्या किया, 2x upon 5 को छोटा वाला a मान लिया, आपने अपने 3y upon 7 को छोटा वाला b मान लिया। तो अब जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो चुका है, किसमें वो कन्वर्ट हो चुका है a माइनस b, जबकि यहां पे अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहां पे आपको अच्छा ये a स्क्वायर नहीं है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दो, पहले b स्क्वायर है भाई, तो इसको लिख दो
दो आप b का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा आपके पास प्लस ए बी। अब क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो पीछे वाले ब्रैकेट को, आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी, ए स्क्वायर को आगे लिख दो, बी स्क्वायर को पीछे लिख दो, और ये हो गया आपके पास प्लस ए बी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वापस से वही आइडेंटिटी बन गई, जहां पे आप जजमेंट कहां करोगे, तो पहले वाले ब्रैकेट से जजमेंट करोगे, तो पहले वाले ब्रैकेट के बीच में है माइनस साइन, इसीलिए जो आप आंसर है फाइनल उसमें लिख दोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये आपने आंसर लिख दिया, अब वापस से आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ए की जगह आप 2x अपॉन 5 को रख दोगे और बी की जगह आप 3y अपॉन 7 को रख दोगे। तो फटाफट हम रख देते हैं, तो यहां पे आपके पास हो जाएगा 2x अपॉन 5 का होल क्यूब, जबकि यहां पे आपके पास हो जाएगा 3y अपॉन 7 का होल क्यूब। अब बस आपको होल क्यूब करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब 2x अपॉन 5 का होल क्यूब कितना होता है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। तो जब आप 2x अपॉन 5 का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा भाई, 2x अपॉन 5 का होल क्यूब। तो देखो भाई, जितने भी टर्म्स हैं उन सबका क्या कर दो, आप होल क्यूब कर दो। तो आप क्या करोगे, पहले 2 का क्यूब करोगे, x का क्यूब करोगे और 5 का क्यूब करोगे। अब क्यूब करना आपको आता है, फटाफट मैं आंसर लिख रहा हूं, 2 क्यूब मिल जाएगा आपको 8, x क्यूब तो आपको x क्यूब मिलेगा और 5 क्यूब मिल जाएगा आपको 125। यानी कि जहां पे 2x अपॉन 5 का होल क्यूब है, आप वहां पे लिख सकते हैं 8x क्यूब अपॉन 125। जब मैं 3y अपॉन 7 का होल क्यूब करता हूं, तो उस चीज को भी देख लो भाई, 3y अपॉन 7 का होल क्यूब है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब y का क्यूब डिवाइडेड बाय 7 का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 27, y का क्यूब तो y का क्यूब रहेगा, 7 का क्यूब होता है 343, तो आप यहां पे जाके लिख दो 343। यानी कि जो दोनों क्यूब के आंसर्स हैं वो भी आपको मिल गए, तो फाइनल आंसर आप क्या लिख दोगे भाई, फाइनल आंसर आप लिखोगे कि 2x अपॉन 5 होता है 8x क्यूब अपॉन 125। बहुत बढ़िया, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी मैंने वहां पे लगा दिया है। 3y अपॉन 7 का होल क्यूब होता है 27y क्यूब अपॉन 343, तो मैं वो भी लिख देता हूं 27y क्यूब अपॉन 343। और इस तरीके से जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है या कैलकुलेशन है वो हो चुका है खत्म। और मैंने कैसे सॉल्व किया है मैंने इसे, तो इसे सॉल्व किया है मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पे। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन सिमिलर पूछे जाते हैं। चलिए, अब हमने इसके डिस्कशन की बात कर ली, अब हम कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि इन्हीं चीजों पे बेस्ड है। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है भाई, आपके पास गिवन है 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस 4x प्लस 3y, और जो दूसरा ब्रैकेट है उसके साथ मल्टीप्लाई में है वो ब्रैकेट, उसके अंदर गिवन है 16x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो ध्यान से देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है पहले तो उसको लिख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, यहां पे गिवन है आपके पास 7x क्यूब, यहां पे गिवन है 8y क्यूब। ध्यान से देखो, मैंने इनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके रख दिया है, जिससे बाद में मैं इनको आसानी से सॉल्व कर सकूं ब्रैकेट ओपन करके। अभी मैं डिफरेंशिएट करने के लिए अलग से लिखने के लिए एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूं, जबकि जो दूसरी तरफ है वहां पे है पहले तो माइनस साइन। और क्या क्या चीजें हैं भाई, आपके पास है 4x प्लस 3y, और क्या है आपके पास अवेलेबल, और आपके पास अवेलेबल है 16x स्क्वायर, और यहां पे है आपके पास माइनस 12xy, और आपके पास है 9y स्क्वायर। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो भाई सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बस आप ध्यान से इधर देखते रहो। देखो भाई, अब ये क्वेश्चन जब आया है तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे आप यहां वाले टर्म से। पहले आप इस चीज को सॉल्व कर लो और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। वापस से मैं आप खुद को रिपीट करता हूं, आप पहले इस पूरी चीज को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद ही आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो हम पहले ये जो अवेलेबल चीज है इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, तो ये जो टर्म्स है हम इसको थोड़ा याद कर लेते हैं अगले पेज पे लिखने के लिए। क्या था हमारे पास, तो एक ब्रैकेट के अंदर था हमारे पास 4x प्लस 3y, तो लिख देते हैं भाई एक ब्रैकेट के अंदर है आपके पास 4x प्लस 3y, और दूसरा ब्रैकेट क्या है भाई, दूसरा ब्रैकेट है आपके पास 16x square minus 12xy
लिख देता हूं मैं 16x² - 12xy और साथ में था मेरे पास 9y² तो इस तरीके से कुछ गिवन था मेरा सेकेंड टर्म। याद रखना मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी, क्वेश्चन के एक हिस्से को सॉल्व कर रहा हूं और बाद में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चलो बात आ जाती है इधर, इधर क्या करें भाई, इधर ध्यान से देखो ये पहले वाले ब्रैकेट को तो आप चेंज मत करो, इसको 4x + 3y रहने दो, यहां पे कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। अब इधर है आपके पास 16x² - 12xy + 9y², ध्यान से देखो 16x² है, क्या मैं इसको 4x² लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, अगर 4² होगा तो मुझे 16 मिल जाएगा, x² है तो मुझे x² मिल जाएगा। अब यहां पे मेरे पास 12xy है, -12xy है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख देता हूं -4x × 3y। कैसे लिख दिया मैंने, तो खुद सोच के देखो भाई, 4 × 3 मिल जाएगा आपके पास 12, x × y मिल जाएगा आपको xy। तो इस तरीके से हमने मिडिल टर्म को ऐसे लिख दिया। जब मैं बात करता हूं 9y² पे, तो मैं वहां पे 3y² लिख सकता हूं, 3 का होल स्क्वायर मिलेगा मुझे 9, y² मुझे मिलेगा y². तो इस तरीके से मैंने चीजों को थोड़ा सा कर दिया है अरेंज। अब क्या भाई, अब कुछ ऐसा कि जो आपका 4x है इसको आप छोटा वाला a मान लो, जो आपका 3y है आप इसको छोटा वाला b मान लो। देखो मैंने क्या किया है, मैंने 4x को छोटा वाला a माना है, 3y को छोटा वाला b माना है, तो क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो चुका है a + b में, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो बन चुका है a² - ab + b² अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, जिसका आंसर कैसे डिसाइड होता है, तो आंसर डिसाइड होता है आपके पहले ब्रैकेट से, जहां पे कौन सा साइन है अभी, जहां पे प्लस का साइन है, इसीलिए जो हमारा फाइनल आंसर है वो लिखाएगा a³ + b³। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब a कितना है, तो देखो भाई a है आपके पास 4x, तो यहां पे रख दो आप 4x³, और b³ कितना है आपके पास, तो वो है 3y³, तो यहां पे हम रख देंगे 3y³। अब इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 4x³ है, तो भाई 4x³ तो आप जानते हो कि 4 का भी क्यूब होगा और x का भी क्यूब होगा, 3y³ है यानी कि 3 का भी क्यूब होगा और y का भी क्यूब होगा, 4 का क्यूब कितना होता है, तो भाई 4 का क्यूब होता है आपके पास 64, तो ये बन जाएगा आपके पास 64x³। जबकि यहां पे आप बात करोगे तो 3 का क्यूब है यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 27y³। अब ध्यान से देखो भाई, ये चीज हमने ऑब्टेन कर ली है 64x³ + 27y³। सर ये तो क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व करा, ये तो मैंने सेकंड पार्ट सॉल्व करा। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, ये मैंने सॉल्व किया है सेकंड पार्ट, अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब आपने इस सेकेंड पार्ट को सॉल्व करा, तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके क्या आंसर मिला आपको, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके आंसर मिला आपके पास 64x³ + 27y³। तो मैं क्या करता हूं, पहला वाला हिस्सा तो 7x³ + 8y³ रहने देता हूं, कोई चेंज नहीं करूंगा। जो दूसरा वाला हिस्सा है मैं वहां पे लिख देता हूं, मैंने क्या ऑब्टेन किया है, मैंने ऑब्टेन किया है 64x³ + 27y³। ये इंपॉर्टेंट था, ऐसे रिडक्शन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको अलग से आपको सॉल्व करके दिखाया। अब क्या भाई, अब कुछ ऐसा आपको याद होगा, मैंने बोला था मैं ब्रैकेट्स का यूज इसलिए कर रहा हूं जिससे बाद में मैं ब्रैकेट्स को ओपन करके आसानी से कर सकूं सॉल्व। तो अब जितने भी आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं उनको आप ओपन अप कर दो। तो भाई पहला वाला ब्रैकेट जब आप ओपन अप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7x³ + 8y³, कोई भी चेंज आप यहां पर ऑब्जर्व नहीं करोगे। लेकिन जब आप दूसरा वाला ब्रैकेट ओपन अप करने जाओगे तो याद रखो सामने साइन किसका है, तो सामने साइन है माइनस का, इस माइनस साइन से आपको सबको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपके पास -64x³, ये बन जाएगा आपके पास -27y³। अब क्या भाई, अब कुछ ऐसा कि वो टर्म्स लो जहां पे वेरिएबल सेम है, ऐसे कौन से टर्म्स है जहां पे वेरिएबल सेम है, तो एक है आपके पास 7x³, दूसरा है 64x³, इनको साथ में लिख दो। कैसे साथ में लिख दे सर, इधर लिख दीजिए आप 7x³, यहां पे आप लिख दीजिए -64
64x³। अब दूसरे भी ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि आपके पास है 8y³ और है आपके पास -27y³। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। देखो भाई वेरिएबल सेम है x³ और x³, तो कोई टेंशन मत लो, आप x³ लिख दो। वापस से सुनो, वेरिएबल्स जब सेम हो, पावर वगैरह सेम हो, तो आंसर क्या लिख दो, सेम पावर x³। पर नंबर्स तो अलग अलग हैं, एक जगह पे 7 है, एक जगह पे -64 है। तो आप क्या करने वाले हो, आप ये करने वाले हो कि 7 में से 64 को करने वाले हो सब्स्ट्रैक्ट। तो जब 7 में से आप 64 को करते हो सब्स्ट्रैक्ट, तो आंसर मिलता है आपके पास -57। अब ये मुझसे मत एक्सपेक्ट करना कि सब्स्ट्रैक्शन भी आपको 9th क्लास में मैं सिखाऊंगा। अब आप बात यहां पे करते हो तो आपके पास 8y³ है और -27y³ है, तो 8y³ -27 y³ क्या होगा, तो वही बात, आपको वेरिएबल्स को लिख देना है। तो पहले आपने y³ लिख दिया, अब आप सबस्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी है उन नंबर्स के बीच में करो। तो यहां पे 8 है, यहां पे -27 है, तो बेसिकली आपको 8 में से 27 को करना है सबस्ट्रैक्ट। तो छोटे में से बड़े को, यानी कि -27 को सबस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आंसर आपको मिल जाएगा -19y³। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। फाइनल आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का, तो फाइनल आंसर है आपके पास -57x³ और साथ में है आपके पास -19y³। और ये सारे ही स्टेप्स आपको बहुत जरूरी स्टेप्स हैं, कहीं पे भी आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। वापस से देख लो मैंने क्या चीजें करी हैं, पहले तो क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने आपको बोला कि भाई आप फोकस करो ये सेकंड वाला जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है उधर, और मैंने आपको बोला कि अगर इस सेकंड वाले एक्सप्रेशन में आप थोड़ा सा लगाओगे दिमाग तो आप यहां तक पहुंच सकते हो, क्योंकि हमने आइडेंटिटी लगा दी है a³ + b³ वाली। और जब आपने ये कर दिया, इसको करने के बाद आप वापस से अपने क्वेश्चन पे आइए, और यहां पे ये जो इतना बड़ा सब कुछ है उसकी जगह जो भी आपने ऑब्टेन किया है उसको लिख दीजिए। उसके बाद तो कुछ नहीं था, सिंपल सा कैलकुलेशन था, मैंने उसको परफॉर्म किया और मेरा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारे अगले सवाल को। अगला सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पर थोड़ा सा अलग है। अगला सवाल है ये, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों क्वेश्चन का जो अभी डिस्कस किया और जो अब डिस्कस करने वाला हूं, बस थोड़े से कैलकुलेशन में डिफरेंस होंगे। तो चलिए उन बातों को अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे आप तो वापस से दो पार्ट्स हैं। अब दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर साथ में रखेंगे और हम हमारा आंसर निकाल देंगे। तो पहला पार्ट, पहले तो क्वेश्चन लिख दीजिए सर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके पास, यहां पे आपको गिवन है पहले ब्रैकेट के अंदर, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या गिवन है, 6m - n, ये पहला ब्रैकेट है। इसी के साथ मल्टीप्लाई में है 36m² और क्या है भाई 6mn मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में है यहां पे n, प्लस में है n² जो दूसरा वाला ब्रैकेट है। अगर उधर ध्यान से देखोगे आप तो आपके पास है 3m + 2n का होल क्यूब। यहां पे ध्यान रखिए, यहां पे थोड़ा सा अलग है कहानी, 3m + 2n का होल क्यूब है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं दो हिस्से में क्वेश्चन को डिवाइड कर देता हूं। ये है मेरे क्वेश्चन का पहला हिस्सा, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, और ये है मेरे क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, बाद में मैं इसको सॉल्व करूंगा, और दोनों को सॉल्व करने के बाद यहां पे रख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और फिर हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। तो भाई पहला पार्ट क्या है, तो जो पहला पार्ट है आपके पास वो क्या था, वो कुछ ऐसा था कि एक ब्रैकेट के अंदर है आपके पास 6m - n, तो लिख देते हैं यहां पे है 6m और यहां पे है -n। अब इसी के साथ दूसरा ब्रैकेट प्रेजेंट है जहां पे है 36m², तो लिख देते हैं 36m² और क्या है भाई, और है आपके पास 6 × n 6mn, तो ये भी लिख दो आप, यहां पे हो गया आपके पास 6mn, और जो लास्ट टर्म है आपके पास वो है n². देखो ध्यान से भाई, इस चीज को भी अगर आप देखोगे तो आपको a³ - b³ वाली आइडेंटिटी दिखेगी। कैसे, तो ध्यान से देखो, जो आपका 6m है, चलो अभी तो बाद में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पहले इसको उस फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये है आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर 6m - n, यहां पे क्या लिख दो, 36m² है ना भाई, तो 36m² कब मिलेगा, तब मिलेगा जब आप 6m का होल स्क्वायर करोगे।
करो जरा 6m का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर हो गया, m का होल स्क्वायर हो गया, तो 6 का होल स्क्वायर हो गया 36 और ये आपको m स्क्वायर तो मिल गया। तो यहां पे 36 m स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं 6m का होल स्क्वायर। यहां पे अगर मैं बात करता हूं 6mn की, तो मैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखने वाला हूं 6m और दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखने वाला हूं n को, और n स्क्वायर को तो आप जानते ही हो भाई n का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की, हमने इस क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व कर लिया। अब क्या करो आप, आपके पास जो 6m है इसको आप छोटा वाला a बोल दो, आपके पास जो n है इसको आप छोटा वाला b बोल दो, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है आपके पास a माइनस b, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है ध्यान से देखो, a स्क्वायर यहां पे है आपके पास ab और यहां पे आपके पास है b स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो वापस से ये आइडेंटिटी बन गई है, जहां पे आइडेंटिफिकेशन कहां से करोगे, ये बीच के माइनस साइन से करोगे। अब a माइनस b है तो आंसर भी कन्वर्ट हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब में। अब a की जगह क्या रख दो आप, 6m रख दो, b की जगह क्या रख दो आप, n रख दो, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास 6m का होल क्यूब माइनस n का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको 6m का होल क्यूब निकालना पड़ेगा, तो जब आप 6m का होल क्यूब निकालोगे तो आंसर होगा आपके पास 6 का क्यूब और यहां पे आपको मिल जाएगा m का क्यूब। n का क्यूब तो भाई n का क्यूब है, उधर कोई टेंशन नहीं है। अब 6 का क्यूब क्या होता है, तो 6 का क्यूब आप निकाल सकते हो, आपको बेसिकली करना पड़ेगा 6 × 6 × 6, जब आप 6 × 6 × 6 करते हैं तो आंसर आपको मिलता है 216। तो यहां पे क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है 216m क्यूब माइनस n क्यूब के फॉर्मेट में, यानी कि जो पहला पार्ट है, आपको मैंने जैसा कि बोला था क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो पहला पार्ट है वो किसमें रिड्यूस हो चुका है, वो रिड्यूस हो चुका है 216m क्यूब माइनस n क्यूब में। तो हम क्वेश्चन में आते हैं और इस पहले पार्ट की जगह क्या लिख देते हैं, पहले पार्ट की जगह हम लिख देते हैं 216m क्यूब माइनस n क्यूब। अब मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करता हूं, ये सिर्फ पहला पार्ट सॉल्व किया है मैंने, अब मैं आ रहा हूं मेरे दूसरे पार्ट पे। चलिए जब मैं दूसरे पार्ट की बात करूंगा तो दूसरा पार्ट क्या है, चलो पहले देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है आपके पास 3m प्लस 2n का होल क्यूब, तो लिख देते हैं दूसरा पार्ट है हमारे पास 3m प्लस 2n का होल क्यूब। बहुत बढ़िया, ये है हमारे पास दूसरा पार्ट। अब क्या करो, तो भाई ये a प्लस b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी दिख रही होगी, कैसे, तो आपका जो 3m है आप इसको छोटा वाला a मान लीजिए, जो आपके पास 2n है इसको आप छोटा वाला b मान लीजिए। इससे होता क्या है, आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्म में। जो a प्लस b का होल क्यूब होता है यह आपके पास बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, साथ में इधर ब्रैकेट में रहता है आपके पास 3ab और दूसरे के अंदर रहता है a प्लस बी। यहां पे क्या करो आप, a की जगह सब्सटीट्यूट कर दो, a की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दो, तो a की जगह सब्सटीट्यूट कर दो आप 3m को और b की जगह आप सब्सटीट्यूट कर दो 2n को। तो फटाफट हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये बन चुका है आपके पास 3m प्लस 2n का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास 3m का होल क्यूब, जबकि यहां पे आपको मिल जाएगा आपके पास 2n का होल क्यूब। यहां पे आपके पास 3 टाइम्स ऑफ ab है तो 3 लिख दिया, a की जगह हमने लिख दिया है 3m, b की जगह हमने लिख दिया है 2n, ये हमने लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे a प्लस b, यानी कि हम लिख देंगे 3m प्लस 2n, ये भी हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका LHS जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, आप उसको 3m प्लस 2n लिखे रहने दीजिए, होल क्यूब भी लिखे रहने दीजिए। अब 3m का होल क्यूब कैसे करोगे, अब ये चीज तो आप जानते ही हो भाई कि 3m का होल क्यूब करोगे तो आपके पास होगा 3 का होल क्यूब और m का होल क्यूब। जब आप 2n का होल क्यूब करोगे तो आपके पास आंसर होगा 2 का होल क्यूब और n का होल क्यूब। सिमिलरली जब आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो, पहले आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो फिर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो। नंबर है आपके पास 3, 3 और 2, तो आपके पास यहां पे लिख सकते हो 3 × 3 × 2 और फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप m और n को ऐसे लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट को अभी चेंज या कुछ भी मॉडिफाई मत करिए, आप 3m प्लस 2n लिख दीजिए। अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं, तो LHS तो हमारा वही रहेगा 3m प्लस 2n, जो हमारा
अच्छा आरएचएस है उसकी बात कर लेते हैं, तो 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब होता है 27, तो ये आपके पास बन जाएगा 27m³। यहां पे आपके पास 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब होता है आपके पास 8, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 8n³ में। जबकि यहां पे आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3 3s होता है 9 और 9 2s होता है आपके पास 18, तो ये बन जाएगा आपके पास 18mn में। और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो इस ब्रैकेट के अंदर है आपके पास 3m + 2n। अब क्या करो भाई, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो ये 27m³ मिल चुका है हमें, यहां पे कोई चेंज नहीं करेंगे। यहां पे हमें 8n³ मिल चुका है, यहां पे भी कोई चेंज नहीं करेंगे। यहां पे हम 18mn को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 18mn को, तो 18mn को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3m में, और फिर हम प्लस का साइन लिखेंगे, और फिर हम 18mn को मल्टीप्लाई करेंगे 2n में, हमने ऐसा लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो ये आपको मिल गया 27m³, लिख लेते हैं, ये आपको मिल चुका है 8n³, इसको भी हम लिख लेते हैं। यहां पे क्या है, देखो भाई, नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल्स को बाद में मल्टीप्लाई करो, 18 है और 3 है, तो 18 3 जा होता है 54, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 54। mn into m करोगे तो क्या होगा, दो एम मिल गए, तो एम स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 54m², ये बन गया आपके पास n। यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, 18 है और 2 है, तो 18 2 जा होता है आपके पास 36, ये आपको मिल गया m। अच्छा, ये राइटिंग सर आपने बड़ी खराब लिख दी, ये आप लिख दो 18 2 जा 36, एक m मिल गया और दो n मिल गए, तो n स्क्वायर हो गया। और इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है लिख दिया, क्या लिख दिया है आपने, लिख दिया है 27m³ + 8n³ + 54m² n + 36mn² याद रखो, ये मेरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मेरे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है। तो अगर मैं क्वेश्चन पे आता हूं, तो फर्स्ट पार्ट को मैंने क्या लिखा है, 216m³ - n³, और ये जो सेकंड पार्ट है, मैंने इसको जब सॉल्व करा तो मुझे क्या आंसर मिला, मुझे तो याद है आंसर कुछ ऐसा था, 27m³, यहां पे है हमारे पास 8n³, और हमारे पास था 54 के साथ में क्या था, ये भूल गया, m स्क्वायर n, तो यहां पे हम लिख देते हैं 54m² n, और जब आपने इस तरफ इसको और सॉल्व करा था तो ये बन गया था 36mn². तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि आप क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर उनको साथ में रखेंगे, तो दोनों पार्ट्स को मैंने पहले अलग अलग सॉल्व करा और अब मैंने उनको साथ में रख दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, तो भाई दोनों ब्रैकेट्स को ओपन अप करना है और हमें सोल्यूशन करना है, तो जल्दी से हम ओपन अप कर देते हैं। तो इस वाले ब्रैकेट को जब हम ओपन अप करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, आपको मिल जाएगा 216m³, यहां पे आपको माइनस n³ मिल जाएगा। इस वाले ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो आप माइनस साइन सभी टर्म्स में कर दोगे मल्टीप्लाई, तो यहां पे आपको मिल जाएगा माइनस 27m³, और क्या मिलेगा भाई, और मिलेगा आपके पास माइनस 8n³, और क्या मिलेगा, और मिल जाएगा माइनस 54m² n, एंड द लास्ट वन इज माइनस 36mn². अब क्या फायदा हुआ, देखो ध्यान से भाई, आप उन टर्म्स को साथ में लिखो जैसा कि मैं बोलता हूं, जिनका वेरिएबल और उनका पावर सेम है। तो एक टर्म आप ये देख रहे होगे 216 और दूसरा टर्म आप 27m³ देख रहे होगे, तो इन दोनों को हम साथ में लिख देते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं 216m³ - 27m³, बहुत बढ़िया। और कुछ दिख रहा है क्या ऐसा कॉमन, जी हां मुझे तो दिख रहा है, एक माइनस एन क्यूब है, एक माइनस 8n³ है, तो मैं इनको भी साथ में लिख देता हूं। यहां पे हो गया मेरे पास माइनस n³ और यहां पे मिल गया मुझे माइनस 8n³, बहुत बढ़िया। अब इस तरफ अगर मैं बात करूं तो इनके साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो इनको वैसा का वैसा ही लिख देता हूं बिना किसी चेंज के साथ, तो इनको मैं लिख दूंगा माइनस 54m² n, और यहां पे आपके पास हो जाएगा माइनस 36mn². अब कैसे इसको करोगे सॉल्व, तो ध्यान से देखो, यहां पे m³ है और यहां पे m³ है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, वेरिएबल सेम हो, पावर सेम हो, तो पहले तो वेरिएबल को लिख दो, तो आप m³ को ऐसे लिख दो। अब यहां पे क्या है, नंबर्स क्या है, तो भाई एक तरफ नंबर है 216, दूसरी तरफ है 27, बीच में है साइन माइनस का, तो क्या कर लो आप, बेसिकली आप 216 में से 27 को कर दो सबस्ट्रैक्ट, तो इसको जब सबस्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बन गया 0, 6 बन गया 16,
16, ये बन गया 9 और 20 माइनस 2 होता है 8, 189. तो आपको आंसर मिल जाएगा 189. तो इस तरीके से यहां पे आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिल गया 189 m³. सिमिलरली जब आप बात यहां पे करोगे तो ध्यान से देखो, n³ और n³ सेम है तो मैंने n³ लिख दिया है. और अब नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स क्या है, माइनस, अच्छा इधर माइनस है तो यानी कि -1 होगा. -1 और -8, -1 -8 क्या होता है -9, तो ये बन जाएगा आपके पास -9 n³. और बाकी जो टर्म्स हैं उनमें कोई चेंज मत करना, उनको वैसा का वैसा ही लिख दो, यानी कि -54 m² n, और क्या लिख दोगे भाई, और लिख दोगे आप -36 m n² यानी कि जो आपका फाइनल आंसर है वो ये लास्ट स्टेप में मैंने लिखा है. ऊपर मैं आपका एग्जैक्ट आंसर लिख देता हूं, जब आपने इसको सॉल्व करा तो आपका एग्जैक्ट आंसर मिला आपको 189 m³, साथ में आपको मिल गया -9 n³, और मिल गया आपको -54, और क्या है इसके साथ m² n है, और है लास्ट टर्म आपके पास -36 m² n², और इस तरीके से आपने जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और आपका आंसर भी आ चुका है. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे, इनफैक्ट तीन पार्ट्स थे. पार्ट्स ये थे कि पहले आपको फर्स्ट वन पार्ट को सॉल्व करना है, फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करना, और जब फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लो फिर आता है आपका तीसरा प्रोसेस, जहां पे आप फर्स्ट पार्ट को भी लिखोगे, जहां पे आप सेकंड पार्ट को भी लिखोगे, और उनको सॉल्व करके आप अपना फाइनल आंसर निकालते हैं. अब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे आप तो दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का हमने यूज किया. यहां पे हमने a³ - b³ का यूज किया, जबकि यहां पे हमने a+b का होल क्यूब यूज किया. इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा बुक के अंदर और आपके एग्जाम के अंदर जब उनको टफ क्वेश्चन पूछना होता है तो पूछते हैं वो. ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेंगे कभी कभार जो हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किए हैं. तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कशन का पार्ट बनाता हूं जिससे आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या ना हो. एक बार मैं अगर आपको सारे स्टेप्स रिविजिट करवा दूं तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट, वो था मेरा सेकंड पार्ट. तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आया, ये मैंने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा, और यहां पे जो चीजें मैंने करी है ये तो मैंने आपको बार बार करके दिखा दिया, तो कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और आंसर ऑब्टेन कर लिया मैंने 216 m³ - n³. फिर मैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे आया जहां पे a+b का होल क्यूब मैंने लगाया, और फिर मैंने आंसर ऑब्टेन कर लिया. जब मैंने सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों को कर लिया तो बस उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैं मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन में आता हूं और फर्स्ट पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सेकेंड पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, और जब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा फाइनल आंसर आ जाता है. आई होप आपको यह क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं पे भी कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको नहीं होनी चाहिए. चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं जहां पे a³ + b³ वाली आइडेंटिटी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आते हैं. जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कुछ ऐसा कि आपको वैल्यू दी है a+b की, तो a+b की वैल्यू उन्होंने दे दी है आपको 10, जबकि दूसरी वैल्यू दी है आपको उन्होंने a × b की, ये दे दी है आपको 21. और आपसे वो पूछ क्या रहे हैं भाई, वो आपसे पूछ रहे हैं a³ + b³, ये चीज वो आपसे पूछ रहे हैं. अब ऐसे क्वेश्चंस को करते वक्त आपको कुछ प्रॉपर स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, और बेसिकली ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. किस आइडेंटिटी के, तो a³ + b³ के. तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो क्वेश्चन हम स्टार्ट कहां से करेंगे, तो ये क्वेश्चन हम वहां से स्टार्ट करते हैं जो चीज हमें पूछी गई है. पूछी क्या गई है हमें, हमें पूछी गई है a³ + b³ की वैल्यू. अब a³ + b³ की वैल्यू पूछी तो गई है, पर आप आइडेंटिटी तो जानते हो ना, तो पहले आप आइडेंटिटी को लगा दो. तो जब आप आइडेंटिटी को लगाओगे तो ये बन जाएगा a+b, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा आपके पास a² + b² - ab. आई होप ये चीज आपको क्लियर हो. यहां पे मैंने सिर्फ आइडेंटिटी को अप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया है. अब आता है आपके क्वेश्चन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और इस स्टेप को जरा ध्यान से देखना. देखो भाई, आपका LHS तो सेम रहेगा, तो मैं इसको बार-बार नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ RHS पे अभी बात कर रहा हूं. यहां पे मेरे पास a+b है एक ब्रैकेट के अंदर, ये जो दूसरा ब्रैकेट है
पूरा का पूरा लॉजिक और पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस दूसरे ब्रैकेट में छुपा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर क्या हो मैं इसको कन्वर्ट कर दूं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। वापस से सुन लो, मेरा जो मोटिव है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मोटिव ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो वो एक नया लॉजिक है जिसको हमें सीखना है। तो यहां पे हम करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां पे हम ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं, 2ab को ऐड कर देते हैं। सर ये कहां से आपने ऐड कर दिया, जो चीज थी ही नहीं उस चीज को आपने ला दी। कोई बात नहीं, अगर मैंने ऐड किया है तो मैं क्या करूंगा, मैं सब्सट्रैक्ट भी करूंगा। याद रखना इस स्टेप को बच्चों, कि जब भी आप कोई चीज ऐड करते हो, मतलब आप एक्सटर्नली ऐड कर रहे हो, पहले से वहां पे अवेलेबल नहीं था, जब भी आप किसी चीज को ऐड करोगे तो साइड बाय साइड उस चीज को आप सब्सट्रैक्ट भी करोगे, वरना ये गलत चीज कहलाएगी। तो आपने 2ab को करा है ऐड, तो देखो ये माइनस ab तो था ही, अब 2ab को ऐड करा है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस 2ab। इस स्टेप का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरा स्टेप इसी में और पूरा लॉजिक जो है इस क्वेश्चन का यहीं पे छुपा बैठा है। मैंने क्या किया है, मैंने 2ab का करा है एडिशन, और अगर मैंने 2ab का करा है एडिशन तो ऑन द काउंटर पार्ट मुझे करना पड़ेगा 2ab का सब्सट्रैक्शन, और मैंने यहां पर 2ab का कर दिया है सब्सट्रैक्शन। अब इसके बाद क्या भाई, इसके बाद कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी, LHS तो मेरा A cube plus B cube है, लो मैंने वापस से लिख दिया, कोई टेंशन की बात नहीं। RHS की बात करते हैं, तो A plus B है, इधर देखो इधर, ये जो पहले तीन टर्म्स दिख रहे हैं आपको, A square plus B square plus 2AB, अगर थोड़ा सा डाउन द मेमोरी लेन जाओगे आप, तो ये जो A square plus B square plus 2AB है, ये कोई और नहीं है, ये है आपके A plus B का होल स्क्वायर, और ये आपने बहुत बार पढ़ा है, पहली बार मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। यहां पे हमने एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बात मैं इन दोनों टर्म्स पे करता हूं, आपके पास ab है, आपके पास ab है, आप जानते हो कि जब ऐसे वेरिएबल्स होते हैं सेम, तो पहले तो आप वेरिएबल्स को लिख देते हो, आपने ab लिख दिया, अब क्या, तो भाई आपने अभी वेरिएबल्स को लिखा, अब आप डील करो नंबर्स पे, तो ab के सामने क्या है माइनस वन, इस ab के सामने क्या है माइनस टू, तो माइनस वन और माइनस टू क्या होता है, ऐड करके माइनस थ्री होता है, यानी कि यहां पे मैं लिख दूंगा माइनस थ्री ab। तो ये था इस क्वेश्चन का हिडन लॉजिक जो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं खुद को, कहां से मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया और क्या क्या चीजें मैंने करी। तो क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट किया था भाई कि भाई मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने बोला क्वेश्चन ही यहीं से स्टार्ट करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से। यहां पे मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी वाली, ये वाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, जो कि होती है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसके बाद मैंने क्या बोला, एलएचएस में कोई चेंज मत करो क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी को भी वैसा का वैसा लिख दो। जो दूसरा ब्रैकेट है वहां पर मैं चाहता था कि कैसे भी मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने का मौका मिल जाए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मेरे पास ए स्क्वायर था, मेरे पास बी स्क्वायर था, बस जरूरत थी 2ab की, तो मैंने 2ab का कर दिया है एडिशन, और अगर मैंने किया है एडिशन तो मुझे करना पड़ेगा सब्सट्रैक्शन, तो मैंने 2ab का सब्सट्रैक्शन भी कर दिया। उसके बाद तो कुछ नहीं है भाई, ये जो पहले तीन टर्म्स हैं a plus b के होल स्क्वायर बना गए, और जो लास्ट के दो टर्म्स हैं ab और -2ab, मैंने बोला वेरिएबल वेरिएबल सेम है तो वो लिख दो सेम ab, और फिर नंबर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी हो रहा कर लो, तो वो बन गया -3। तो इस तरीके कैसे आप यहां पे अराइव हो चुके हो। अब क्या, क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है सर, अब कैसे सॉल्व करोगे, तो भाई देखो वैल्यू किसकी निकालनी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो उसको तो रहने दो, उसको कोई चेंज मत करो। यहां पे देखो क्वेश्चन में कुछ गिवन है, क्या गिवन है भाई, ए प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहां पे पुट कर दो ना ए प्लस बी की वैल्यू, जो कि आपने पुट कर दी कितनी 10। यहां पे भी आप ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी कि आप यहां पे भी 10 का होल स्क्वायर पुट कर सकते हो, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी, और ए इंटू
बी की वैल्यू भी तो गिवन है आपको 21, तो यहां पे भी आप ऐसे 21 को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कर दिया है खत्म। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो आपका LHS तो है AQ+BQ, कोई टेंशन की बात नहीं, ये आपके पास है मल्टीप्लाइडेड बाय 10, अंदर सॉल्व करो ब्रैकेट के अंदर। 10 का होल स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 100, 3 × 21 कितना होता है, वो होता है 63। तो जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो यहां पे आपको मिल गया 10, 100 − 63 कितना होता है 37, तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो 37, और 37 × 10 कितना होता है, तो वो होता है 370, और इस तरीके से आपका जो आंसर है वो आ चुका है। और ये सारे स्टेप्स ही आपके बहुत जरूरी थे, कहीं पे कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए, अगर आप ये सब कुछ समझ चुके हैं, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो हम एक और सिमिलर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है तो सिमिलर पर है थोड़े से उसमें चेंजेस भी। क्वेश्चन ये है कि आपको a − b की वैल्यू गिवन है 4, आपको a × b की वैल्यू गिवन है 45, आपको फाइंड करनी है वैल्यू a³ − b³ की। तो चलिए देखते हैं कैसे करें इस क्वेश्चन को, क्या क्या चीजें गिवन है भाई। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है a − b की वैल्यू कितनी है 4 है, आपको a × b की वैल्यू गिवन है कितनी है 45 है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है a³ − b³ की। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में स्टार्ट किया था, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन भी वहीं से स्टार्ट करो। तो वैल्यू फाइंड करनी है आपको किसकी, a³ − b³ की। a³ − b³ क्या होता है, a³ − b³ होता है आपके पास a − b, दूसरे ब्रैकेट के अंदर होता है a² + b² + 2ab। ये तो आपको याद ही होगा, ये आइडेंटिटी मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस की थी। अब क्या भाई, अब कुछ ऐसा इधर LHS में तो कुछ मत करो, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, a − b में भी कुछ मत करो, अंदर आ जाओ इस ब्रैकेट के। a² + b² है, और मुझे वैल्यू किसकी गिवन है, तो भाई वैल्यू गिवन है मुझे a − b की। यानी कि मेरे दिमाग में कुछ प्रोसेस ऐसा गया कि यार a² है, b² है, 2ab है, अगर मैं गलती से भी कुछ भी, मैंने, अच्छा 2ab नहीं होता बच्चों, सॉरी यहां पे ab होता है, सॉरी माय बैड हियर, मैंने गलती कर दी आइडेंटिटी लगाने में, यहां पे a × b होता है, 2ab नहीं होता है, सॉरी फॉर दैट, आप ध्यान रखिएगा क्या गलती मैंने की, 2ab नहीं होता, सिर्फ ab होता है। अब ध्यान से सुनो, मेरे दिमाग में प्रोसेस कुछ ऐसा गया कि यार ये जो दूसरा ब्रैकेट है ना, यहां पे मैं कैसे भी a − b का होल स्क्वायर बना दूं। वापस से सुनो, ये जो दूसरा ब्रैकेट है, यहां पे मैं कैसे भी अगर a − b का होल स्क्वायर बना दूं ना, तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे करोगे सर आप, तो ध्यान से देखो, ये जो a² + b² है, इसको तो कोई चेंज मत करो, इसको ये लिख दो। अब अगर मैं a − b का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं, तो a² है, b² है, किसकी कमी है, तो −2ab की कमी है। आइडेंटिटी याद होगी तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं, तो −2ab की कमी है ना, तो ठीक है −2ab को ले आओ। अरे सर ये वापस से आप −2ab लिख दिए हो, अब क्या करोगे, कोई बात नहीं, अगर मैंने −2ab लिखा है तो उसका उल्टा भी लिखूंगा, यानी एक बार माइनस किया है तो इसका उल्टा क्या होगा, एडिशन, तो मैं यहां पर लिख दूंगा +2ab। वापस से स्टेप को देख लो, क्या किया मैंने भाई, मैं बनाना चाहता था a − b का होल स्क्वायर, तो मैंने बोला कि a² तो है, b² तो है, कमी है −2ab की, तो −2ab को ले आया, तो फिर मैंने बोला अगर मैंने −2ab को लाया है तो इसका उल्टा यानी कि +2ab भी मुझे लाना पड़ेगा, और वो मैंने वहां पे लिख दिया, और ab जो पहले से है उसका कोई टेंशन नहीं। अब ध्यान से देखो भाई, ये जो चीज है a³ − b³ बनेगी आपकी LHS, कोई टेंशन नहीं, यहां पे आपके पास a − b है, कोई टेंशन नहीं। अगर इन तीन टर्म्स को देखोगे आप, और आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होगी याद, तो आप इसको लिख सकते हैं a − b का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और यहां पे देखो जरा, ab है और +2ab है, कोई बात नहीं, ab है और 2ab है ना, तो ab और इधर 1 और 2, तो 1 2 3, और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। आप कुछ नहीं, आपका आंसर आ चुका है, ध्यान से देखो भाई, a³ − b³ है, a − b क्या गिवन है, 4 है गिवन, तो यहां पे रख दो भाई ब्रैकेट में 4, इस वाले ब्रैकेट में a − b का होल स्क्वायर है, यानी कि 4 का भी होल स्क्वायर है, 3ab है, ab की वैल्यू गिवन है 45, तो 3 × 45 भी आपको गिवन है। अब इसको फटाफट हम कर देते हैं सॉल्व, तो a³ − b³ = 4 है,
4 स्क्वायर कितना होता है? 4 स्क्वायर 16 होता है, 3 into 45 ही गिवन है ना भाई, AB की वैल्यू, तो 3 into 45 कैसे निकालोगे? 3 into 45 ऐसे निकाल सकते हो, 3 into 45, तो यहां पे आपके पास हो गया 45 into 3, 3 5s मिल गया आपको 15 का, 5, 1 goes over, 3 4s 12 plus 1, 13, तो आपको मिल गया 135, तो आप यहां पे रख सकते हैं 135, अब क्या कर दो आप, 135 और 16 को कर दो ऐड, तो जब आप 135 और 16 को ऐड कर देते है तो 6 plus 5 11 का 1 goes over 3 plus 2 5 और यहां पे आपको मिल गया 151। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास हो गया 4 into 151। अब 4 को और 151 को मल्टीप्लाई करना है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 604। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? भाई सर हूं थोड़ी तो चीजें ज्यादा आती होगी मुझे, आप भी मल्टीप्लाई करके देख लेना। चलो कर ही देता हूं, वरना आप बोलोगे सर आप याद करके आए हो। देखो भाई 4 1 जा होता है 4, 4 5 होता है 20 का 0, ऊपर गया 2, 4 1 जा 4 plus 2 6, तो आपको आंसर मिल जाएगा 604। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का, और कोई भी स्टेप हमने यहां पे स्किप नहीं किया, तो ये सारे स्टेप्स ही आपको लिखने हैं और ध्यान रखना है और समझना भी है। चलिए तो अब एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो हो ही नहीं सकता कि भाई आपसे सॉल्व ना हो। अब कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए जिनको मैं नहीं सॉल्व करता हूं, एज अ प्रैक्टिस बेसिस पे आपके लिए लाता हूं, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अब इसमें क्या करोगे, तो मैं हिंट दे देता हूं। हिंट कुछ ऐसा है कि आपका जो x by 2 है उसको x by 2 रहने दो, कोई टेंशन की बात नहीं, ये जो 2y है उसको 2y रहने दो, इस वाले ब्रैकेट में आ जाओ, x square by 4 है ना, तो आप इसको लिख सकते हो x by 2 का क्या होल स्क्वायर, ऐसा लिख दो। आपके पास xy है तो आप इसको लिख सकते हो x by 2 multiplied by 2y, ऐसा लिख दो। और आपके पास लास्ट टर्म क्या है 4y स्क्वायर, उसको आप लिख सकते हो 2y का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद वही सब्स्टिट्यूशन वाला काम, आप x by 2 को लिख सकते हो a, आप 2y को लिख सकते हो b, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा a plus b, दूसरा वाला ब्रैकेट बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर, यहां पे आपके पास बन जाएगा ab और ये बन जाएगा आपके पास b स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा, इधर एक छोटी सी गलती, थोड़ा सा चेंज कर लो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में चेंज ये करो कि यहां पे x plus 2y की जगह x minus 2y कर दो, बस इतना सा चेंज करो और कुछ नहीं, x minus 2y कर दो, बाकी सब कुछ सेम है। तो बस यहां पे आपको याद आ गई होगी एलजेब्रिक आइडेंटिटी जो कि होती है a cube minus b cube। अब a की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, b की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क बेसिस पे छोड़ दिया। कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ने वाला हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, आप जानते हो कि कैसे करोगे। अब ये क्वेश्चन पे मैं आपको हिंट भी नहीं दे रहा हूं भाई, आपको मैंने तरीका सिखा दिया है, अब आप दिमाग लगाओ, अब आप सॉल्व करो। चलो हिंट दे देता हूं थोड़ा सा, इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो यूज होगी आपके पास a cube minus b cube वाली, तो आप यहां पर लगाइए, सोचिए कि आप इस काम को कैसे करोगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहां पर -6x की जगह आप इसमें +6x कर देना, बस ये थोड़ा सा आप चेंज कर लेना जिससे आपका सॉल्यूशन जो है आसानी से आ जाएगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप बोलोगे सर आपने तो गलत क्वेश्चन दे दिया, वैसे आपके ये आरडी शर्मा बुक के क्वेश्चंस हैं तो आप इन क्वेश्चंस को वहां से भी फाइंड कर सकते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो मैं आपको आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि सेम टू सेम अप्रोच रहता है, कुछ भी खास डिफरेंट नहीं होता है। अब आते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई ए प्लस बी जो है 10 के बराबर गिवन है, a into b जो है 16 के बराबर गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी और इसकी। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे पहली बात तो यही आती है, तो पहले तो गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं। भाई a plus b क्या है, तो आपके पास a plus b गिवन है 10, आपके पास a into b कितना गिवन है, वो गिवन है आपके पास 16, तो क्वेश्चन हम कहां से स्टार्ट करते हैं, देखो पहले हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब थोड़ा सा वापस जाओ यार, ये a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर कब मिलता है, सवाल है कब मिलता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, तो थोड़ा सोचोगे तो याद आएगा कि यार जब मैं a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाया करता था ना, तब जाके मुझे मिलता था a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है अप्रोच, यानी कि इसको मैं बोल देता हूं अभी फर्स्ट, क्योंकि मैं फर्स्ट सॉल्व करना चाहता हूं, और इसको मैं बोल देता हूं सेकंड, क्योंकि बाद में मैं सेकंड सॉल्व करना चाहता हूं। तो बात हम फर्स्ट की कर लेते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब आप a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी को लगाते हैं तो आपको मिलता है
ए प्लस बी, जबकि दूसरी तरफ आपको मिलता है क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपको ऑप्टेन करना है ये चीज। अब ये चीज कैसे ऑप्टेन करोगे भाई, आपको तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए और बी इन सब की वैल्यूज, ये ना ही उनके क्यूब्स की वैल्यूज गिवन है, अब क्या दिमाग लगाओगे जिससे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो सॉल्व। तो बड़ा ही आसान सवाल है, टेंशन की बात नहीं है, क्या करेंगे तो आप क्वेश्चन यहीं से पिक करो, कहां से, यहां से, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैं काम करने वाला हूं। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं, क्या अरेंज कर देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में, कुछ खास ज्यादा अरेंजमेंट नहीं किया है मैंने, बड़ा सिंपल सा काम किया है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में। फिर मैंने सोचा कि कैसे भी ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, क्या सोचा मैंने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए फिर तो काम हो जाएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। और यही सोच के मैंने क्या लिख दिया कि अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाना चाहते हो ना, तो टू ए बी को एड कर दो, क्या कर दो, टू ए बी को एड कर दो। और ये डिस्कशन तो पहले भी हो चुका है कि अगर आप किसी चीज को एड करते हैं तो आपको साइड बाय साइड सब्सट्रैक्शन भी करना बनता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे इन तीन टर्म्स के साथ, तो ये हो चुका है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप यहां पे लिख दो कि ये बन चुका है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। जबकि यहां पे बात करोगे आप तो आपके पास ए बी है, आपके पास टू ए बी है, तो ए बी वेरिएबल सेम है तो उनको लिख दो, और यहां पर क्या है माइनस वन, अच्छा कुछ नहीं लिखा तो माइनस वन, अरे ये तो प्लस बन गया सर, इसको लिखो माइनस वन, तो ये माइनस वन और माइनस टू है, तो माइनस वन माइनस टू आपस में जुड़ के होते हैं माइनस थ्री। अब क्या करोगे, देखो LHS तो सेम है, LHS में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि उसी चीज को तो हमको निकालना है, उसी को बदल देंगे तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। अब यहां पे क्या करो, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, देखो 10 है, तो यहां पे क्या रख दो भाई, यहां पे आप रख दो 10 का होल स्क्वायर, और a इंटू बी की वैल्यू गिवन है 16, तो 3 इंटू 16। अब सॉल्व करो, a 10 का होल स्क्वायर कितना होता है, 10 का होल स्क्वायर होता है 100, 3 इंटू 16 कितना होता है, 48, तो 100 में से 48 को घटाओगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 52। और इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है वो हो चुका है खत्म। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो। अब आते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट पे कि भाई आप सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो भाई सेकंड पार्ट और आसान है, यहां पे आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बड़ा ही आसान काम है, इसको देखना, इसको मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वापस से वही बात, अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूं, मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लाऊं, और टू ए बी मैंने प्लस में लाया है तो माइनस में तो लाना बनता ही है। अब इधर ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जबकि यहां पे देखोगे तो वेरिएबल वेरिएबल सेम है तो आप ए बी लिख दो, और नंबर्स देखो 1 और 2 है, और 1 माइनस 2 है तो आपको मिल जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1 ए बी लिख दो। अब क्या करो भाई, ए बी की वैल्यू तो गिवन है 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 का होल स्क्वायर, ए इंटू बी की वैल्यू कितनी गिवन है 16, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 16। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 10 स्क्वायर होता है आपके पास 100 एंड माइनस 16, तो 100 माइनस 16 आपको मिल जाएगा 84। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर दिया है सॉल्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है, बड़े ही सिंपल से स्टेप है, कुछ खास स्टेप्स नहीं थे इनमें। अब हम कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप जानते हो कि किसके सिमिलर है और क्या मैंने दिमाग लगाया है, तो इनको तो आप फटाफट सॉल्व कर ही दोगे। एक और क्वेश्चन देख लो, एक और सवाल ये है, ये सवाल भी आपको मैंने डिस्कस किया है, बस वैल्यूज चेंज है, बाकी लॉजिक चेंज नहीं है, सेम टू सेम स्टेप्स आपको करते जाने और आपके आंसर आ जाएंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आप लीजिएगा और इनको आप सॉल्व करिएगा। चलिए अब इतनी सारी बातें कर ली, हमने कहां पे बात करी भाई, हमने मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे बात करी। क्या इन सारी चीजों को एक्सेस करने का कोई और तरीका है सर, क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे मैग्नेट ब्रेन्स पे जितना कुछ पढ़ाया जाता है वो सब एकदम ऑर्डर वाइज अरेंज हो, प्लेलिस्ट अलग अलग से बनाई हो, अलग अलग क्लास की बनाई हो, सभी टीचर्स के लिए अलग अलग बनाई हो? जी हाँ है सर। कहां है, तो भाई उसके लिए गूगल क्रोम खोलो। अच्छा आप क्या करें, उस पर टाइप कर दो ना डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट
क्या magnetbrains.com टाइप कर दो तो कुछ ऐसा पेज खुलेगा जिस पर लिखा रहता है इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म किंडरगार्टन टू 12th क्लास ऑल सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी एजुकेशन टू। साथ में यहां पे लिखा रहता है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, इस पे करोगे आप क्लिक तो जब आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे करते हो क्लिक कुछ ये खुल जाता है। जैसे कि अब आपको मुझसे पढ़ने की इच्छा है, यहां पे आपके पास जितने भी टीचर्स हैं देखो यहां पे क्लासेस भी लिखी रहती हैं। मान लो आपको क्लास 9th का पढ़ना है तो इस क्लास 9th पे क्लिक कर दो। आपको मन में नहीं नहीं हम तो आज क्लास 12th पढ़ेंगे तो क्लास 12th पे क्लिक कर दो। जो भी क्लासेस आपको लगती है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लास 9 पढ़ना है आपने क्लास 9 पे क्लिक कर दिया तो क्लास 9 से रिलेटेड जितने भी टीचर्स के वीडियोज हैं उसका आपको एक तरीके से समरी टाइप का मिल जाएगा कि भाई ये टीचर है उनका नाम ये है उन्होंने ये चीज पढ़ाई है। जैसे कि मेरा नाम गौरव मिश्रा है आप जानते हो और आपको मान लो मेरे वीडियो से पढ़ना है तो ये रही मेरी वीडियो। यहां पे आप देख सकते हो मेरी पिक्चर भी लगी है वैसा ही दिखता हूं मैं। अब इसके नीचे वॉच नाउ का ऑप्शन रहता है तो उस वॉच नाउ के ऑप्शन को भी क्या कर दो क्लिक कर दो। तो जब वॉच नाउ के ऑप्शन को आप क्लिक करोगे ना एक और नया पेज खुलेगा जिस पेज पे मान लो ये एनसीईआरटी वाला है। वैसे तो मैं यहां पे आरडी शर्मा डिस्कस कर रहा हूं पर ये मान लो एनसीईआरटी वाला आपने कोर्स पे क्लिक कर दिया तो एनसीईआरटी का ऐसे कोर्स खुल जाएगा जहां पे आपको मेंशन रहता है कि भाई क्लास 9 मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी को जो सर है वो कवर कर रहे हैं वीडियो ट्यूटोरियल की मदद से कवर कर रहे हैं और सर जो है इनमें ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। अब इसके अंदर नीचे रहता है आपको वॉच चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस तो भाई हर चैप्टर के हिसाब से आपके अलग अलग वीडियोस बने हुए रहते हैं टॉपिक वाइज भी और टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स के भी वीडियो मैंने तो बना के रखे हैं तो मान लो उसमें भी आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना मान लो पॉलिनोमियल्स पढ़ना है तो आप पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन पे क्या कर दो क्लिक कर दो तो आपका एक और नया वीडियो खुल जाएगा जहां पे मैं आपको पढ़ाता मिल जाऊंगा। आपने ये वीडियो देख ली मजा आ गया सर अब आपकी और भी वीडियो देखनी है तो ये रहा नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन इसको भी क्लिक कर दो तो नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। और इस तरीके से आप जो भी सब्जेक्ट चाहोगे वो भी आपको मिलेगा जिस टीचर से पढ़ना चाहोगे वो भी आपको मिलेगा और जितना पढ़ना चाहोगे वो भी आपको मिलेगा और ये सब आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स का आपको एप्लीकेशन यानी कि ऐप भी मिल जाएगा और वो ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे वहां पे भी जाके आप डायरेक्टली मैग्नेट ब्रेन्स टाइप कर दो आपको ऐप मिल जाएगा उसको इंस्टॉल कर लो और फिर आप ये सारी चीजें वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो सब कुछ सेम है आपके लिए सब पहले से ही अरेंज है तो जाइए और फायदा उठाइए। अब इसके बाद एक और बात कर लेता हूं मैं आपसे भाई आप ये जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स क्या करता है आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है यहां पे कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। साथ में किंडरगार्टन टू 12th वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो सर हम क्या कर दें इतनी सारी चीजें आप फ्री में दे रहे हो तो हम क्या करें। आप दो तीन चीजें कर सकते हो क्या कर सकते हो भाई आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो जिससे आपके दोस्त तक बातें पहुंची और वो भी हमसे पढ़ सके। क्वालिटी एजुकेशन है फ्री एजुकेशन है तो पहुंचाओ जहां तक पहुंचा सकते हो ये भी आपकी तरह से एक हेल्प ही हो जाएगी बाकी बच्चों के लिए। तो इन सारी चीजों को आप करिएगा और इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में जितने सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वो बड़े ही कमाल के कॉन्सेप्ट हैं आई होप उन सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप आरडी शर्मा को तो बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर एक और बात रह गई भाई कमेंट वाली बात तो मैंने बोली नहीं। वीडियो को एंड में देखने के बाद थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो। कमेंट करोगे तो मुझे आपके रिएक्शंस पता चलेंगे देखूंगा मैंने कि आपने क्या बोला आपको वीडियो कैसी पसंद आई या नहीं पसंद आई। तो अब मैं बोल देता हूं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।